बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है इस वक्त जो चीज़ मेरे सामने पड़ी है ये एक पोर्टेबल कार फ्रिज है। तो हम में से बहुत ज़्यादा लोग जब बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं तो उन्हें या तो किसी चीज़ को ठंडा भी बाज़ बात रखना पड़ सकता है और बाज़ बात गर्म रखना पड़ सकता है। गर्मियों में मिसाल के तौर पर अगर ये है कि आप मेडिसन लेके जा रहे हैं, कुछ ऐसी मेडिसन होती हैं जिनको आपने खास टेम्परेचर में रखना होता है, तो वो आप ठंडा रख सकते हैं एक पोर्टेबल फ्रिज के अंदर, या कोई चीज़ गर्म रखनी है, कॉफ़ी चाय जो भी आप कहीं दूसरा सफ़र में जा रहे हैं सर्दियों में वो गर्म रख सकते हैं। ये जो फ्रिज है ये पोर्टेबल फ्रिज है, 7.5 लीटर का, 7.5 लीटर कैपेसिटी है इसकी, और ये गर्म भी कर सकता है और ठंडा भी कर सकता है। और ये आपकी गाड़ी के अंदर जो सिगरेट लाइटर लगा होता है उससे चलता है, और ये तकरीबन पड़ा है मुझे 7,000 के अंदर। और मुझे लगता है कि जब मैंने इसको देखा तो इसकी जो कैपेसिटी, इसकी फंक्शनैलिटी वो 7,000 को बिल्कुल जस्टिफाई करती थी, तो मैंने इसे बाई कर लिया। तो आज ज़रा इसे आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, इन केस कोई इंटरेस्टेड हो तो उसे भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो आइए ज़रा इसे खोलते हैं। ये देख सकते हैं जनाब, वेल पैक्ड आया है और बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर। हर साइड से आप देख सकते हैं बिल्कुल ही स्मूथ सरफेस है, उठाना उठाने में इंतहाई लाइट वेट है। इस साइड पर अगर आप आए तो 3 कप्स की जगह भी बनी हुई है जिसमें आप रख सकते हैं ताकि वो गिरे ना। और इसे आइडियल बनाया गया है ताकि ये आपकी गाड़ी की दोनों सीटों के दरमियान बिल्कुल फिक्स हो जाए जो, और ये कि जैसे आप इसे लगाएं तो गिरे ना, तो ये उस जगह पे रखने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे अगर आप आए इस साइड पे, यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड के बटन दिया हुआ है, फंक्शनैलिटी दी हुई है जिससे आप इसे हॉट या कोल्ड पे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी इनपुट लगेगी और इनपुट की वायर जो है मुझे लगता है इसके अंदर ही होगी, तो उसका एक हिस्सा आप अपनी गाड़ी के सिगरेट लाइटर पोर्ट में लगाएंगे और दूसरा इसको लगाएंगे और ये चलना शुरू हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं इंतहाई वैसे खूबसूरत है, प्लास्टिक बिल्कुल भी लो क्वालिटी नहीं फील हो रहा, और ये के प्रीमियम क्वालिटी ही फील होता है। ये नहीं कि आप कहें कि 7,000 की चीज़ ली है तो शायद बड़ी ही कोई लो क्वालिटी होगी, एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ आपको पकड़ के फील होता है। तो खोल के देखते हैं ज़रा। अच्छा, सख्त है, हाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा हुआ है यहाँ पे ताकि जो है इजीली हो जाए, बंद हो जाए। और अगर आप इसे खोलते हैं तो कोई इसे बच्चा आसानी से नहीं खोल सकता, वैसे फोर्स लगती है, जोर आपकी ताकत लगती है इसको खोलने में। तो यहाँ पे भी ऊपर थोड़ी सी स्पेस छोड़ी गई ताकि कोई बोतल वगैरह हो जब इसे कैप बंद करें तो हो सके। ये इसका मैनुअल आया हुआ है जो कि चाइनीज में है। ये इसकी वो सिगरेट लाइटर में ये हिस्सा लगेगा, इसकी चार्जिंग केबल, चार्जिंग केबल तो नहीं करनी, पावर केबल, ये हिस्सा इसके अंदर लगेगा। और क्या है, ये इसके साथ बेल्ट दिया हो गया ताकि आप इसे लगा के एक हिस्सा यहाँ पे लगेगा, एक पीछे, इजीली कैरी कर सकें गाड़ी से बाहर निकाल के पिकनिक वगैरह करने जाएं या कहीं पे। और ये क्या, अगर आप इसको इससे देखें इसकी सरफेस है, और 7.5 लीटर इसकी कैपेसिटी है जो कि एक अच्छी खासी कैपेसिटी है। और ये किसी कैरी करना इंतहाई ईजी होगा जो मुझे लगता है, क्योंकि इसकी सर्फेस अगर आप गौर करें तो हर साइड से कोई शार्प कॉर्नर नहीं है। ये यहाँ पे ये बड़ी एक अच्छी चीज़ होती है, कॉर्नर्स जो होते हैं आपको हर्ट करते हैं जब ज़्यादा देर कोई चीज़ उठानी हो, तो जो कोने होते हैं वो ज़्यादा हर्ट करते हैं, लेकिन इसका कोई भी कोना नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है। और मेरे ख्याल से 7,000 के लिए के अंदर अंदर अगर आपको इस तरह की एक अच्छी चीज़ मिल जाए तो एक बड़ी ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कोई चीज़ लेके जानी होती है, जिसको नहीं चाहिए उसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और इसलिए ज़रा आप, हाँ मैं लेके जाता हूँ और अपनी गाड़ी में फिट करके आपको दिखाता हूँ और देखते हैं कि कूलिंग करता है या नहीं। मैं इसे फिट करके आधा घंटा रखूंगा और फिर वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि मैं कैसा फील कर रहा हूं। तो आइए जरा चलते हैं। ये देखें जी, ये सिगरेट लाइटर में मैंने इसे लगा दिया है, उसका कनेक्शन ये दोनों सीटों के दरमियान इसे रख दिया है और यहाँ पर इसका कनेक्शन कर दिया है। ये ग्रीन लाइट का मतलब है इस वक्त कूलिंग कर रहा है, और रेड लाइट आप जब इसे नीचे करेंगे तो ये हॉट पर चला जाएगा। अभी क्योंकि गर्मी है तो मैंने कूलिंग ही करनी है। ये देखें इस वक्त कूलिंग पे है, फैन इसका इस वक्त चल रहा है ये वाला, और मैंने इसे आधा घंटा से कम हुआ है अभी रखे हुए, और यहाँ से अगर मैं हाथ लगाऊं तो मुझे ऊपर से भी ठंडा महसूस हो रहा है। खुल जा,
ये हिस्सा जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं ये इंतहाई ठंडा है इस वक्त। फुल आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये ब्लू वाला जितना भी हिस्सा है ना ये इस वक्त कूलिंग बर्फ है, ये ऐसा फील हो रहा है। अभी इसे रखे हुए आधा घंटा नहीं हुआ तो इसकी कूलिंग मैं आपको बता सकता हूँ कि इंतहाई ज़बरदस्त होगी। और एरिया तो आपने देख ही लिया पहले, तो ये कि कूलिंग में कोई मसला नहीं है। कूलिंग की आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इंतहाई ज़बरदस्त है। और इस दोबारा इसे बंद कर दें, इनके ऊपर कोई कप वगैरह रखने अपने रखने तो। ये था जनाब हमारा पोर्टेबल कार फ्रिज, और आपने देख ही लिया है कूलिंग बड़ी ज़बरदस्त करता है। मैंने आपको ऑन भी करके दिखा दिया, कूलिंग भी करता है, हीटिंग भी करता है, और आपकी गाड़ी के सिगरेट लाइटर से चलता है तो। और बड़ी क्विक कूलिंग है, यानी 30 मिनट्स मोर देन इनफ है ऐसे कूलिंग करने के लिए। और ओवरऑल मैं इसे रिकमेंड करूँगा अगर कोई बाई करना चाहे, डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ है बाई करने के लिए, खूबसूरत भी है। और ये कि अगर कोई बाई करने में इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक भी जो है मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, ताकि आप उसको यूज़ करके प्राइस देखना चाहें वो देख सकें, बाई करना चाहें तो बाई कर सकें। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।